देखें विवर, ये हमारी हो चुकी है। ओ जबरदस्त स्टीम निकल रही है शेफ, ये देखें कितनी सॉफ्ट हो के अंदर जा रही है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। ये तो बहुत पानी में नहीं उबली है, ये सिर्फ स्टीम से उबली है, इतने आराम से इसका उतर जाएगा। और यही वो देते हैं, वो जो लकड़ी पे जलाते हैं और करते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूँ शेज और ये हैं हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम आ गया है, तो इसके लिए हम आपको एक बेहतरीन तोहफा लेके आए। तो शेज से पूछते हैं, शेज आज क्या बन रहा है हमारे किचन में? आज हमारे किचन में शकरकंदी बन रही है। क्या क्या लिया आपने सामान? ये मैंने शकरकंदी लिए, इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए भिगो दिया था पानी में और इसको अच्छे तरह से वॉश करके टॉप और बॉटम काट लिया मैंने इसका। और उसके बाद मैं क्या करूंगी इसके ऊपर, इसको बहुत गौर से देखेंगे आप लोग, इसके ऊपर ऑयलिंग करूंगी। इसको ऑयल करेंगी शायद, और जिस तरह चाहे ऑयलिंग कर लें इसके ऊपर, जिस तरह हम मकसद हमारा ऑयलिंग करना है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, वो सैन करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर आपने इस पे देखिए फोक करना है, इसके फोक से इसको थोड़ा थोड़ा अंदर तक जूसी हो जाएगी ये, जब ये पकेगी ना तो आप लोग कहेंगे कि आपको वक्फे वक्फे से, ये भी कच्ची है, बॉयल नहीं की हुई, इसीलिए ये आपको ऐसे है, बस ये देखे, ये ऐसी शानदार बनने वाली है इंशाल्लाह, कभी आपको बताते हैं दोबारा। ये देखे, ये देखिए। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिए थे क्योंकि इसमें मट्टी वगैरह होती है ना, तो सब क्लियर है। टॉप एंड बॉटम काट दिया। अच्छा, शेज ने ये 1 kg लिए, ये जो है हमारी ये 1 kg लिए, और मैं इसका बहुत अच्छा मसाला भी आप लोगों को दे रही हूँ, जो इसी में आपको अभी मसाला भी मिलेगा। शकरकंदी वाले जो स्टॉल पे लेके जाते ना, ठेले पे पठान वगैरह, पठानों के पास होता है तो वो वाला भी आपको इसमें ही मसाला मिलेगा इंशाल्लाह। चले बताते करना क्या है आपको। ये शायद बता दिया आपने क्या क्या लिया, ये भी हम आपको दिखाते रहेंगे। चले, नहीं ये सामान बता दें क्या क्या है, कितनी चाहिए? ये रेड मिर्चे मैंने लिए 1/2 teaspoon, नमक मैंने 1/2 teaspoon, और ये काला नमक मैंने लिया 1/2 teaspoon। ठीक, तो मैं इसका मसाला भी अभी आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह बना, किस तरह करना है। चले ठीक है, देखे हमने इस पे ऑयल लगाया, ऑयल लगा के मैंने हुसैन से इस पे सारे पे फॉक से करवा दिया, ताकि अंदर तक 5-6-7 जगह कर ले, सब जगह हुए हुए फॉक से। ऑयल लगा के पहले हमने धोए, वॉश किया, उसके बाद फिर हमने इस पे ऑयलिंग करी, फिर ये सब करके अब हम पानी में डीप करना है। पानी मतलब पानी में नहीं उबालना हमको, जिसके पास स्टीमर नहीं है वो डेची में पानी रख ले और उसमें एक स्टैंड रख ले, या कोई डेची उल्टी करके रख ले, जैसे केक बनाते हैं तो कुकर में या किसी पतीले में, सब पता है। हाँ, फिर उसके बाद ना ये उसके ऊपर आप ये फैला देंगे शकरकंदी, और जिनके पास स्टीमर है तो वो हम इस तरह स्टीमर में इसको रखेंगे। हाँ। और बस हमें पानी में डायरेक्ट नहीं उबालना इसको, बस पानी इस पर टच नहीं करना, विटामिन्स इसके खत्म हो जाएंगे और वो उसके छिलके भी सब बहने लग जाते हैं। ये आप देखिएगा कितनी अच्छी उबलेगी, ये बिल्कुल जैसे हम लोग कोयलों पे बनाते है ना पठान लोग, तो ये उससे सेम वही जो छिले वाला होता है ना, जो तो रेडी पे बनाते हैं उनका मैं मसाला भी, उनका हाँ, मसाला भी आपको मिलेगा, मसाला भी देंगे आपको, और ये बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल वही जायका होगा और कोई इसके अंदर से वो नहीं निकले। देखें व्यूअर्स, ये हमारा फ्लेम ऑन कर दिया है शेज ने, अब ये हमने क्या करा, ये अपने जो इसको वॉश किया हुआ था सब तरीका बताया हुआ, ये इसके ऊपर रख देंगे, इसको हमने इस पे रख दिया फ्लेम पे, इसको कवर कर दे। कितना टाइम देना है शायद इसको? ये 10-15 मिनट में हो जाती है आराम से। बीच में चेक भी कर सकते, कभी कभी 10 मिनट में भी हो जाती है, और 15 मिनट अगर नहीं हो रही आप चेक करें तो 5 मिनट और टाइम देना, 5 मिनट का और टाइम देते हैं इसको। ये 15 मिनट में हमारी ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और फिर दूसरी बात ये कि ये वो होगी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो स्टॉल वाले ठेले वाले बेचते हैं रेडी पे, ये पानी वाली नहीं की घर में उबाल रहे हैं, कीचड़ हो रही है उसमें, समझ रहे हैं ना, वो चीज नहीं है इंशाल्लाह। अब आपको 15 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है? देखिए व्यूअर्स, ये हमारी हो चुकी है। ओ जबरदस्त स्टीम निकल रही है शेज, ये देखें कितनी सॉफ्ट हो के अंदर जा रही है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। ये तो बहुत ही हलवा हो गई, जेनियन जी। इसको मैंने थोड़ी देर बाद पलट के खा ली थी। अच्छा, जब आप लोग 5-7 मिनट बाद इसको चेक करने के लिए जाए तो आप इसको पलट सकते हैं, पलट दिए ताकि आपकी दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से बन जाए, बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाए, ठीक है? अब इसको हम क्या करेंगे शायद, इसको निकाल के डिश आउट कर देंगे। देखिए बस ये हो चुकी है हमारी, बस इस तरह करेंगे आप लोग तो फौरन आपकी है। अच्छा, ये पानी में नहीं उबली है, ये सिर्फ स्टीम से उबली है,
इतने आराम से इसका उतर जाएगा। और यही वो देते हैं, वो जो लकड़ी पे जलाते हैं और करते हैं ना, वो जो अपनी मट्टी में करते हैं गर्म पोतोरी है। बस वो छोड़ दे, मैं व्यूअर्स को दिखा दूं। चले बस सही करके, ये आपकी हो गई। इसको हम बाकी आपको बाद में करते हैं, ये देते हैं। बिल्कुल हलवा ये, बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख रहे हैं, ये दूध में डाल के पिए, किसी चीज से भी खाए, इसके सारे तरीके लोगों को आते हैं। अच्छा, इसका अभी शायद आपको वो खीर भी खीर बनाना सिखाएंगे इसकी। जी हाँ, इसकी खीर भी मिलेगी। अच्छा, इसका तो अभी चाट मिलने वाला है जी। अभी इसके साथ जो इसका मसाला बनाते हैं ना, वो आपको दिखाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे बनता है इसका मसाला। ये शायद ने इसको बॉइल कर लिया है, तो ये इतनी हलवा हो गई कि ये देखें कितने आराम से जा रही है, ये देख रहे हैं आप। तो इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको कट करते हैं, और इसको अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये फाइनल कैसे होती है। ठीक है, चलिए मैं शेफ से पूछते हैं कि वो जो मसाला था वो किस तरह बनता है। शेफ बताया जरा इसमें। ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन सब चीजों को मिक्स करना है। ये नमक है मेरा, ये काला नमक, काला नमक है, ये इसी के अंदर डालेंगे। और ये लाल मिर्च, ये लाल मिर्च है। इसके लिए हम लोग इतना खुश होते हैं पठानों का कि वो आता है, रेडी वाला आएगा, वो मसाला डाल के देता है तो बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत मजे का होता है। ये वही मसाला है, समझ लें आप। और जब आप बनाएंगे तो वो इंशाल्लाह सेम वही है, वो तो बस कह दिया तो फिर इंशाल्लाह वही है, आपको वही टेस्ट देंगे, फ्लेवर वही आएगा। अच्छा, मैं आपको एक और टिप दे दूं कि ये अगर आप भुट्टे इस वक्त सीजन में बहुत अच्छा है, अगर आप उसको घर पे फ्लेम पे आप इसको हल्का हल्का बनाए और उसके बाद ये चाट लगाए और लींबू लगा के खाए तो आप दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इस पे डालते हैं हम ये थोड़ा सा फ्लेवर और इसको देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसकी खुशबू काले नमक के साथ मिलके जो आ रही है ना, यकीन जाने ये वही खुशबू है जो रेडी वाले डालते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है। लेकिन ये है कि बारह करम है कि आपको यहाँ पे सारी रेसिपीज मिलती है, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आपको इंशाल्लाह सब चीजें मिलेंगी यहाँ पर। तो व्यूवर्स, आप आई होप कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, तो इसके बारे में आप बताइएगा, अपने कमेंट्स करिएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और बहुत ही ताकतवर, और ये सर्दियों का तोहफा है, सर्दियों का ये अल्लाह की तरफ से आपको इनाम है, गिफ्ट है अल्लाह का कि आप खाएं, इससे बहुत ही ताकत आती है। बच्चों को खिलाएं, घर में सबको खिलाएं। जी जी बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा फायदा करती है सर्दियों में, तो ये तो आप लोग खाएं इसको। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कह रही हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, शेयर्स के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, तो हम आपको इसी तरह अच्छी अच्छी और बहुत अच्छी आसान रेसिपीज देंगे, जो बनाने में भी आसान, बहुत ही हम बहुत ही सारे तरीके से बताते हैं और आपके समझ में भी आती है और आप लोग का प्यार है। तो जैसा भी हो मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में। तब तक मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।